देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न 15 अगस्त को पूरे उत्साह से मनाने की तैयारी जारी है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के प्रसिद्ध पशुपति मंदिर में आज आजादी का सालाना पर्व बन गया। जी हाँ, 15 अगस्त से 8 दिन पहले ही शनिवार को मना लिया गया। दरअसल इंदौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर मंदसौर में शिवाना नदी के किनारे स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर में स्वतंत्रता दिवस हिंदू पंचांग के आधार पर मनाया जाता है। यह अनूठी परंपरा पिछले 36 साल से चली आ रही है। पशुपतिनाथ मंदिर के पुरोहितों और यजमानों की संस्था ज्योतिष एवं कर्मकांड परिषद के अध्यक्ष उमेश जोशी के मुताबिक, देश 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों के राज से आजाद हुआ था, तब हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर में हर साल इसी तिथि के अनुसार विशेष पूजा पाठ कर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार श्रावण कृष्ण चतुर्दशी आज यानी शनिवार को पड़ी और हमने अपनी परंपरा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्वतंत्रता दिवस मनाया। हालांकि कोविड-19 के बचाव के मद्देनजर इस अवसर पर केवल 5 पुरोहितों को बुलाया गया, जिन्होंने अष्टमुखी शिवलिंग का विशेष श्रृंगार कर पूजा की। जोशी ने यह भी बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान दुर्वा के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और देश की समृद्धि तथा सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। उन्होंने बताया कि मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 1985 से जारी है।